नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना की लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की है। तो बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां दे रहे अनजान शख्स के खिलाफ मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की आज चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात होने वाली है। दिल्ली दौरे पर आए एकनाथ शिंदे आज दोपहर सीधे कोल्हापुर में चंद्रकांत पाटिल के घर पहुंचेंगे और उनकी दिवंगत मां सरस्वती बच्चू पाटिल को श्रद्धांजलि देंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने असली शिवसेना की लड़ाई पर तंज कसा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है वही असली शिवसेना है। उधर मुंबई को शर्मसार कर वाले आंकड़े सामने आए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इस महानगर में औसतन 3 महिलाओं के साथ रोजाना रेप की घटनाएं हो रही है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना की लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की है। चुनाव आयोग के सक्षम एकनाथ शिंदे गुट ने दावा ठोका है कि उनका ग्रुप ही असली शिवसेना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपने अपने समर्थन में दावे को पेश करने को कहा गया था। खास बात है कि बगावत के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना पर नियंत्रण की जंग शुरू हो गई थी। बीते दिनों आयोग की पत्र लिखकर पार्टी पर दावा पेश किया था। हालांकि आयोग ने 8 अगस्त तक दोनों समूह से दावे और आपत्तियां मांगी थी। उद्धव कैंप की तरफ से पेश अर्जी में कहा है कि यह मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए चुनाव आयोग इस मामले पर अभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोनों दलों ने एक दूसरे के विधायकों समेत अन्य मामलों को लेकर शीर्ष न्यायालय में याचिकाएं दायर की है। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में पिछले विद्रोह के विपरीत इस बार बगावत का उद्देश्य शिवसेना को खत्म करना है। ठाकरे ने रविवार को दक्षिण मुंबई में एक वार्ड स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति में है, जबकि भाजपा राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां दे रहे अनजान शख्स के खिलाफ मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने केस दर्ज किया है। विकी कौशल के मुंबई पुलिस ने कहा है कि विकी कौशल की शिकायत पर सांताक्रूज थाने में आईटी एक्ट के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि एक शख्स लगातार इंस्टाग्राम पर धमकियों वाले मैसेज पोस्ट कर रहा है और वह मेरी पत्नी को फॉलो करने के साथ धमकियां दे रहा है। दोनों ही स्टार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और आए दिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तस्वीरें और वीडियो फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं। दोनों हाल ही में मालदीव गए थे। विकी कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के सबसे लोग कपल्स में गिने जाते हैं। लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी की है। विकी और कैटरीना पिछले दिनों मालदीव गए थे। ये कैटरीना कैफ की पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां पर दोनों ने एक्ट्रेस का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जहां तक धमकी वाले मामले का सवाल है, तो अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि धमकी किसने दी है, लेकिन अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले सुपरस्टार सलमान खान को उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक लेटर के जरिए उन्हें ये धमकी दी गई थी। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पिछले दिनों कहा था कि हमने कलेजे पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भाजपा के भीतर एकनाथ शिंदे को लेकर असंतोष की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस बीच खुद एकनाथ शिंदे की आज चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात होने वाली है। दिल्ली दौरे पर आए एकनाथ शिंदे आज दोपहर सीधे कोल्हापुर में चंद्रकांत पाटिल के घर पहुंचेंगे और उनकी दिवंगत मां सरस्वती बच्चू पाटिल को श्रद्धांजलि देंगे। उनका पिछले दिनों निधन हो गया था और उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। बीते दिनों एक इवेंट में चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि पिछले 2.5 सालों में हालात देखने के बाद में सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ी थी और यह बदलाव हुआ भी। हमें एक ऐसा नेता देने की जरूरत थी जो सही संदेश दे सके, जो अपने फैसले के जरिए प्रदेश के राजनीतिक स्थिरता ला सके। हमने देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी ने कलेजे पर पत्थर रखकर लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि हमसे यही संदेश देने के लिए यह फैसला लिया है। इस बयान ने एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के बीच कड़वाहट के संकेत भी दिए।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में जोरदार जुबानी जंग शुरू है। एकनाथ शिंदे जहां शिवसेना पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना को बचाया जा सके। इस विवाद में अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी कूद चुके हैं। उन्होंने शिवसेना के मौजूदा हालात और पार्टी के भविष्य को लेकर भी टिप्पणी की है। आठवले ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है वही असली शिवसेना है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी को बचा पाएंगे इसकी भी संभावना कम ही नजर आती है। रामदास आठवले ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट ने खुद के अस्तित्व का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, जिनके पास बहुमत है वही असली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में शिवसेना का नेतृत्व भी एकनाथ शिंदे करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास समर्थकों का संख्या बल काफी कम है। इसके अलावा ठाकरे दोबारा पार्टी में जान फूंक नहीं पाएंगे इसकी भी संभावना कम नजर आती है। आठवले ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रदेश को एक मजबूत सरकार मिली है, जिसकी वजह से अब विकास के कार्य को भी गति मिलेगी और आम जनता को सुविधाओं के साथ न्याय भी मिलेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले महानगर मुंबई में औसतन 3 महिलाओं के साथ रोजाना रेप की घटनाएं हो रही है। इस साल जनवरी से लेकर जून तक महिलाओं से रेप किए जाने के 494 मामले दर्ज कराए गए हैं। यह खुलासा मुंबई पुलिस की ओर से जारी मासिक क्राइम रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यानी जून में महिलाओं से दुष्कर्म करने की 73 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें माइनर केस 36 और मेजर केस 37 का समावेश है। मई में यह आंकड़ा 95 था, जिनमें माइनर केस 52 और मेजर केस 43 है। जून में रोजाना 2 महिलाओं के साथ, जबकि मई में रोजाना 3 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। जून और मई यानी पिछले 61 दिनों में 168 महिलाएं रेप की शिकार हुई। इस तरह मुंबई में इस दौरान औसतन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। इस साल जनवरी से लेकर जून तक यानी पिछले 183 दिनों में महिलाओं से रेप किए जाने के 494 मामले दर्ज किए गए। हर दिन औसतन 2 से 3 महिलाओं ने किसी ने किसी पुलिस थाने में बलात्कार की शिकायतें दर्ज कराई है। वही 2021 में जनवरी से जून तक रेप के 475 केस दर्ज कराए गए थे। रेप की घटनाओं के बीच डिटेक्शन रेट देखकर थोड़ी राहत मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून तक दर्ज घटनाओं में से 84% केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। यही उपलब्धि 2021 की अपेक्षा 19% अधिक है। पिछले साल पुलिस ने 78% मामले ही हल किए थे। ठीक 10:15 बजे जैसे ही देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो भुवनेश्वर की सड़कों पर एक्ट्रेस प्रकृति मिश्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप शुरू है। वहीं एक्टर रजनीकांत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए दिया गया है। तो उधर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इस बार आकाश मार्ग से खतरा बताया जाता है, इसीलिए सेना के हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम सुरक्षा की कमान संभालेगी। इसी बीच यूपी में सपा गठबंधन से आजाद हुए सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से जुड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक 10:15 बजे जैसे ही देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सहज अंदाज में हिंदी में भाषण दिया। उनके संबोधन में आदिवासी समाज की झलक थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत का गरीब सपने देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। मैंने अपनी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं, वहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा हासिल करना भी सपने जैसा था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली व्यक्ति थी। राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान कई बार संसद का केंद्रीय कक्ष तालियों से गूंजता रहा। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदलते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सच होते देख रहे हैं। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है।
भुवनेश्वर की सड़कों पर एक्ट्रेस प्रकृति मिश्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में एक्ट्रेस का बयान सामने आया है। एक्ट्रेस प्रकृति मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। दुर्भाग्यवश हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिला की बात सुने बिना ही उस आरोप लगाना शुरू कर दिया जाता है। मैं और मेरे को एक्टर बाबूशान उत्कल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई जा रहे थे। इस दौरान बाबूशान की पत्नी ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला को प्रकृति पर हमला करते हुए देखा जा सकता है और आसपास खड़ी भीड़ उसका वीडियो बना रही है। बावजूद इसके कि प्रकृति लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, किसी तरह प्रकृति गाड़ी से निकल भागी, लेकिन वो औरत उनका पीछा करती रही। वीडियो में बाबूशान ने कहा कि मैं यहाँ अपनी फिल्म का प्रचार करने आया था जिसमें प्रकृति मेरे साथ काम कर रही है और हम एक नई फिल्म की घोषणा करने की भी योजना बना रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब है। अगर मेरे परिवार को इससे दिक्कत है तो मैं उनके साथ वो फिल्म नहीं करूँगा। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं भविष्य में किसी भी एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करूँगा। एक्टर रजनीकांत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए दिया गया है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी शेयर की। इस पर फैंस के तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। रविवार 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे था। इस मौके पर हुए फंक्शन में रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या उनकी तरफ से अवार्ड लेने पहुंची। रजनीकांत के फैंस ने इस पोस्ट पर खुशी जताई और लिखा है कि उन्हें गर्व है। ऐश्वर्या ने लिखा कि ज्यादा और समय से टैक्स अदा करने वाले की बेटी होने से गौरवान्वित हूँ। अप्पा को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु और पौंडुचेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या ने साथ में तस्वीर भी शेयर की है। ऐश्वर्या के पोस्ट के बाद उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में रजनीकांत को धन्यवाद दिया है। एक ने लिखा है कि बधाई हो थलाइवर रजनीकांत सर, वाकई में जिम्मेदार नागरिक है। फिलहाल रजनीकांत व्यस्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत फिल्म मेकर नेल्शन दिलीप कुमार के साथ फिल्म जेलर में काम करेंगे। मूवी में कन्नड़ एक्टर शिवराज कुमार लीड रोल में है। इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएंगी। खबर ये भी है कि फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को लीड रोल में चुनने की बात की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आतंकी संगठनों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे होने का खुफिया अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने भी सुरक्षा के चौकस इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इस बार अलर्ट में खास तौर से आकाशमार्ग से खतरा बताया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम सुरक्षा की कमान संभालेगी। वहीं आसमान को सुरक्षित करने के लिए एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम की लाल किले पर तैनाती की जाएगी। ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हवा में उड़ने वाली चीजों पर रोक लगाने के साथ धारा 144 भी लागू कर दी है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी लाल किला और आसपास के इलाकों में इजरायली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा समारोह के दौरान सुरक्षा को लेकर करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा का आलम यह है कि संदिग्धों पर निगरानी रखने के लिए बहुमंजिला इमारतों पर शार्प शूटर और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। 4 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है और व्यस्त बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन से आजाद हुए सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अगले कदम को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। बसपा के साथ जाने के उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके उलट ये कयासबाजी तेज हो गई है कि राजभर भाजपा से ही जुड़ेंगे। वर्ष 2024 आम चुनाव से पहले प्रदेश में वो सत्ता में भागीदारी पा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राजभर को लेकर ताज़ा अटकलें ये है कि अगले एक सप्ताह के अंदर उनकी मुलाकात भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से होने वाली है, जिसमें ये तय होगा कि आम चुनाव 2024 में साथ साथ चलने के लिए राजभर की किस तरह प्रदेश की सत्ता में समायोजित किया जाए। माना जाता है कि उनकी नज़रें MLC की 2 सीटों में से एक पर है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व राजभर को साथ लाने के लिए एक सीट दे भी सकता है। इसके अलावा निगमों, बोर्डों, आयोगों में इनके कुछ नेताओं को जगह दिया जा सकता है। सपा से दूरी के बाद राजभर के बयान में एक अहम बदलाव आया है। द्रौपदी मुर्मू के हवाले से उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि राजभर बिरादरी भी SC ST में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मतलब राजभर अब राज्य में खुद को अति पिछड़ी जातियों के साथ ही दलितों के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
मंकी पॉक्स दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत सहित अब तक 75 देशों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 16,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की जानें जा चुकी है। तो चीन गंभीर बैंकिंग संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंकों ने ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दिया है। इस फैसले के विरोध में चीन में हजारों लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉड्यूल वेंटियन लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्चिंग कामयाब रही है। तो उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त होने का वादा किया है। उन्होंने एशियाई महाशक्ति को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए नंबर वन खतरा बताया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हो गई। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 2 साल से अधिक समय से दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। अभी इससे पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए थे कि एक नया वायरस मंकी पॉक्स दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत सहित अब तक 75 देशों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 16,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की जानें जा चुकी है। अकेले भारत में 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 3 केरल में और 1 मरीज दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौजूदा हालात को देखते हुए ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये एक रेयर जूनोटिक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता है, लेकिन मरीज के संपर्क में आने से, उसके ड्रॉपलेट्स से और शारीरिक संबंध की वजह से एक दूसरे में आ जा सकता है। इस वजह से ये 98% समलैंगिक में पाया जा रहा है। इस वायरस से बचाव के लिए जरूरी जो संक्रमित है उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए और बाकी लोगों को उससे दूर रखा जाए। पैनिक होने वाली बात नहीं है, ये वायरस हवा में नहीं फैलता है। इसके महामारी के रूप में फैलने की आशंका बहुत कम है। ये कोविड से अलग है। ये संक्रमित मरीज के बहुत करीब जाने से ही होता है, इसीलिए ये उस स्तर पर खतरनाक नहीं है। चीन गंभीर बैंकिंग संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंकों ने ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दिया है। इस फैसले के विरोध में चीन ने हजारों लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने बैंकों के बाहर टैंक उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बीते अप्रैल महीने से ही लोगों का प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर तो हिंसक प्रदर्शन की भी खबरें सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो चीन के हेनान प्रांत का है। यहाँ कई टैंक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं और लोग बैंकों से पैसा निकालने के लिए पिछले 3-3 महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें बैंक के भीतर नहीं घुसने दे रहा। बैंकिंग सेक्टर की इस स्थिति का एक और कारण चीन में ठप चल रहे रियल इस्टेट कारोबार को भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैंकों ने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसा दे रखा है, लेकिन वे पैसे नहीं लौटा रहे। अधिकांश उच्च मध्यम वर्गीय लोगों ने रियल इस्टेट में अपना पैसा लगा रखा है। बीते कुछ समय से रियल इस्टेट का यहाँ बबल फूट गया है। लोगों ने पुरानी EMI चुकानी बंद कर दी है, जिसकी वजह से बैंकों में कैश क्रंच आना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग सरकार के करीबी होने के चलते बैंक उन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं और खामियाजा आम ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में चीन ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉडल वेंटियन लॉन्च कर दिया है और यह लॉन्चिंग कामयाब रही है। नया मॉडल कोर मॉडल के बैकअप देने के साथ साथ एक शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रयोग मंच के रूप में काम करेगा। चीन के इस मॉडल का नाम वेंटियन है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वर्ग की खोज होता है। दरअसल चीन अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है। अभी तक दुनिया की तरफ से एक ही अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसे अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर बनाया हुआ है, जिसका इस्तेमाल जापान के साथ साथ यूरोपीय देश भी करते हैं। लेकिन अब चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है और इस स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 3 मॉडल लॉन्च किए जाने हैं, जिनमें से एक कोर मॉडल तियान्हे है, जिसे लॉन्च किया जा चुका है। दूसरा मॉडल वेंटियन है, जिसे अभी लॉन्च किया गया है, और तीसरा मॉडल मेंटियन है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। ये पूरी तरह से विकसित स्पेस स्टेशन होगा, जिसमें 3 मॉडल लगे होंगे और जिसमें एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी विकसित होगा। देश में मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम को मंजूरी मिलने और शुरू किए जाने के बाद से ये 24वां उड़ान मिशन है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त होने का वादा किया है। उन्होंने एशियाई महाशक्ति को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए नंबर वन खतरा बताया। दरअसल सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लीज ट्रस ने उन पर चीन और रूस पर कमजोर होने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सुनक का ये बयान आया है जो चीनी प्रशासन के लिए भी झटके से कम नहीं है। सुनक ने दावा किया कि चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। साथ ही चीन रूसी तेल खरीद कर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा ताइवान सहित पड़ोसियों को धमकाने के प्रयास में भी लगा हुआ है। उन्होंने चीन की वैश्विक बेल्ट एंड रोड योजना पर अपमानजनक ऋण के जरिए विकासशील देशों को दबाने का आरोप लगाया। सुनक ने कहा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर निकाल देंगे। साथ ही साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयास करेंगे। इससे पहले उन्होंने वादा किया कि अगर वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो पहले दिन से ही ब्रिटेन के संकट से निपटने के लिए काम शुरू कर देंगे। ब्रिटेन के 42 वर्षीय पूर्व चांसलर ने कहा कि जो चल रहा है उसे चलने देने का रुख देश के सामने मौजूद गंभीर आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए कारगर नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हो गई। दरअसल शहबाज सरकार ने भविष्य में श्रीलंका बनने से बचने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। इसके तहत देश की संपत्तियों को विदेशियों के हाथों बेचने का प्रावधान है। इसी मुद्दे को लेकर ट्विटर पर वाकयुद्ध छिड़ गया। इमरान ने राष्ट्रीय संपत्तियों को विदेशियों के हाथों बेचने की सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने को लेकर निशाना साधा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद ट्विटर पर तीखी बहस में पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री के लिए आयातित सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इमरान खान ने पाक पीएम शहबाज पर पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान को लूटने और वर्तमान आर्थिक मंदी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि इन चोरों को हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को भी कभी भी कुटिल तरीके से बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर शहबाज ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरान नियाजी मेमोरी लॉस से पीड़ित है, उन्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत है। एक चैनल के रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम शहबाज ने इमरान खान पर देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और स्थिति व मित्र देशों के साथ संबंधों को गहरी चोट पहुँचाने का आरोप लगाया। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।